वाव, सब कुछ कितना बड़ा है। ये शेफ है? अरे नहीं, वो मुझे अभी आटे से भर देगी। अरे सावधान, क्या वह लिंडा है? ये विशाल कैरेट सीधे मुझ पर आ रहे हैं। अरे ध्यान से। अब क्या? मैं लगभग कुचल जाने वाली थी। दादी, अरे नहीं, वो बोतल को ठीक मेरे ऊपर रखने जा रही है। ऐसा मत करो। नहीं, मैं जिंदा हूँ क्या? जैस, मुझे लगता है कि तुम सो गई थी। सब कुछ ठीक है ना? ओह, तो ये एक सपना था। ठीक है, तो चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं और हमारी चुनौती शुरू करते हैं। और आज हम इन वफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वफल मेकर, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें दो अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले और मैं सब कुछ मिलाऊंगी। बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया, मैं बस वफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी। बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी और अब इसे बेक कर सकते हैं। आह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक करछुल में डाल दिया और इसे वफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी। इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदे डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। ओह, यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। ओह, क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाव, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? ओह, मेरा वफल तैयार है।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ और अधिक, चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वफल तैयार है। वाह ये कितना सुंदर निकला। ओ क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह इतनी सारी चीजें, मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़ा क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में मेरा वफल सच में जीत गया? ये। तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल ना जाए। हाँ बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं। इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है, मेरे पास एक पिन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये सब ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें चुपा चुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है, बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी।
बस हो गया, मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। कितना बढ़िया, ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया, और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया, मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे, यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाओ, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है, मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वाह, क्या है? ओ, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है, कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाओ, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ चलो, मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लज़ानिया चाहिए। हम तीन की गिनती पर शुरू करते हैं। एक, दो, तीन। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ सही है। और फिर उसमें दो अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे, अब मेरे पास पांच रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। ओह, यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहां डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे पांच समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लज़ानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही, इसे अवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा
और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया, मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लज़ानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज, और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लज़ानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे, यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया, यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खा कर देखती हूँ। ओह, ये कितने तीखे हैं। क्या, ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लज़ानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी, बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, यह चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाओ, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी के लज़ानिया ने मुझे बचा लिया। और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नई चुनौती के साथ जल्दी फिर मिलेंगे।